हाय, आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडिफिनिट को आप कैसे समझ पाइएगा। बचपन से तो आप लोग समझते आ रहे हैं कि वही प्रेजेंट इंडिफिनिट ता है ती है ते है जिसके अंत में लगा रहता है। हाँ, तो हम लोग भी सुना देते थे, हाँ भैया ता है ती है ते है लगा हुआ है, तो उसमें वो करता है, वो खाता है, वो ये करता है, ये सब जो रहता था। तो हम लोग बोलते थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिटिव, पर एग्जाम में तो ठीक है उसका उलट आता है, इंग्लिश में लिखा रहता है, उसमें कहाँ लिखा रहता है, ता है ती है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा टॉपिक आज चुने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप यार देखो, सबसे पहले जान लो मेरा नाम अश्विनी है, और लाइक कर दो। हाँ बिल्कुल, अभी 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 सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन जो है वो दबा दिया जाए हमारे चैनल को, अच्छा लगता है, हौसला बढ़ता है ना। और अगर आप लोगों की संख्या बढ़ती है तो लगता है यार चलो कोई तो पसंद कर रहा है हमारा वीडियो, और उसके बाद लगता है नहीं यार थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, अंदर से एक आग लगती है नहीं करना चाहिए। अभी देख लो रात के 11:30 बज रहे हैं, सुबह से ही अभी ट्यूशन स्कूल ये सब हो रहा है, फिर भी लगे हुए हैं, अंदर से पता नहीं एक जुनून सा रहता है ना। तो प्लीज अभी भी नहीं किए हो यार तो कर दो यार, कौन सा पैसा लग रहा है, कर दो, वैसे ट्यूशन फी थोड़ी बोल रहे तो रहे देने के लिए, कर दोगे तो अच्छा लगता है ना थोड़ा, है कि नहीं। अगर आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है आपके ज्ञान में, तो हमारे व्यूवर्स की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए, सब्सक्राइबर्स की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। तो कर दो यार, बढ़ाओ आगे, चलो देखा जाए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले इसका नाम, ये डिफिनिट शब्द क्या होता है, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, डिफिनिट का अर्थ क्या होता है निश्चित, याद रखिएगा, जो एकदम पक्का हो, है ना। पर जब इसके साथ इन लग जाता है, IN लग जाता है, तब इसका अर्थ आ जाता है, याद रखिएगा, तब इसका अर्थ आ जाता है अनिश्चित, क्या आ जाता है अनिश्चित आ जाता है। ये वाला जो अ है ना, इसको उठाओ और यहां लगा दो तो इसका अर्थ आ जाएगा अनिश्चित, याद रखिएगा आप लोग, इसका अर्थ क्या आ जाएगा अ, और इसके साथ ये आ गया निश्चित, आ गया अनिश्चित, है ना। सबसे पहले इस चीज को आप लोगों को दिमाग में रखना है, ये अनिश्चित जो है वो इसके साथ आएगा तब बनेगा ये अनिश्चित, यानी निश्चित का मतलब क्या था, पक्का, कोई काम अगर पक्का नहीं हुआ हो तो ये इनडिफिनिट में आता है। जैसे देखिए जरा, आप नाम से ही समझिए ना, इनडिफिनिट, जैसे हम लोग का नाम रखा जाता है, कोई अगर गोल मटोल ले तो उसका नाम गोलू रख दिए, है ना। अब देखो मजाक में ये नहीं बस बोलना इसका नाम भोलू होता है, लेकिन होता वो बदमाश है तो उसका नाम भोलू कहाँ से रख दिया जाता है, इससे बात अलग है। तो ये जो है अनिश्चित, इसी से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। मैं खाता हूँ तो इसका ये मतलब अभी तो हम खा रहे भैया, लेकिन हो सकता है कि अभी बोलने के तुरंत बाद नहीं खा रहे हो सकता है उनको गुस्सा जब खाना वाना छोड़ के उठ के चले जाए, है ना, ये भी एक होता है तरीका, है ना। मैं पढ़ाता हूँ, तुरंत घंटी बज गई, दूसरे टीचर आने के समय आ गया तो मेरे को जाना पड़ा ना, समझे बात को, ये होता है अनिश्चित, क्योंकि पता नहीं अगले पल क्या हो, इसलिए इसका नाम इनडिफिनिट है, प्रेजेंट इनडिफिनिट। तो लाइक सब्सक्राइब करना है तो कर लो भाई, देखा जाए। देखिए पहला है कि वैसे शब्द जिनके अंत में ly हो, हाँ ध्यान दीजिएगा, ly हो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। जैसे देखिए यूजुअली लास्ट में ly है, यहाँ देखिए ly है ना, जनरली दिख रहा है, हैबिचुअली दिख रहा है, रेगुलरली दिख रहा है, रेयरली, हार्डली, ऑफनली, कॉमनली, मोस्टली, बस हो गया। यहाँ देखिए उदाहरण ly है, तो ly अगर रहेगा किसी में, है ना, तो वहां वो क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखिए जनरली है, ly प्रेजेंट इंडिफिनिट, कम्स, सिंग्स, आंसर। कोई शब्द अगर है उसमें अगर एवरी लगा हो तो वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, देखिए ही है, एवरी लगा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, गोज हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट, जब कभी किसी दिन के नाम के अंत में एस लगा हो तो समझ जाइए कि भाई प्रेजेंट टेंस में है, या भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, या मेरे से गलत लिखा गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट होना चाहिए। जैसे सी गो टू टेम्पल ऑन संडेज है, संडेज है ना, तो यहाँ गोज हो जाएगा क्योंकि दिन के नाम के बाद एस है, वैसे फ्राइडे में एस है तो यहाँ पे ठीक है, बाय।